नमस्कार, मैं हूँ योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त हम मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में, जहाँ से हम आपको लगातार मध्य प्रदेश में होने वाली छोटी बड़ी गतिविधियों से अवगत करवाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार अब हो चुका है, परंतु मध्य प्रदेश की राजनीति में घमासान अब भी जारी है। और इसी को लेकर हमारे पास मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक खबर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा उपचुनाव में से सियासी दलों का सबसे ज़्यादा फोकस ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर है। जी हाँ, यही प्रदेश की यही 16 विधानसभा सीटें कांग्रेस और भाजपा का भविष्य तय करेंगी। और यही कारण है कि दोनों ही सियासी दलों का सबसे ज़्यादा फोकस ग्वालियर और चंबल की इन 16 विधानसभा सीटों पर है, जिसको लेकर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल इलाके को फतह पाने के लिए वहाँ पर पार्टी का चुनावी मुख्यालय बनाने का फैसला लिया है। और इसी चुनावी मुख्यालय से ग्वालियर चंबल इलाके की सभी 16 सीटों पर नज़र रखी जाएगी, साथ ही सभी चुनावी गतिविधियाँ जो हैं वहीं से संचालित होगी। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट था जो हमारे पास 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर आ रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हो तो हमारे वॉइस ऑफ एमपी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।